अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जल्दी नाश्ता लगाओ। जी माँ जी। माँ, बाबूजी। बाबूजी मुझे नौकरी मिल गई। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बस बहुत खुश रहो, खुश रहो। वाह भैया, कॉन्ग्रेट्स। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारा बच्चा बहुत सारी खुशखबरी लेकर आएगा। इसी खुशी में बर्फी बना ले और सबका मुंह मीठा कर दे। जी माँ जी। पूजा तू बैठ, आराम कर ले, बर्फी सुमन बना लेगी। माँ जी एक काम करते हैं ना, बर्फी बाहर से मंगवा लेते हैं। आज मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है और अभी रात का खाना बनाना भी तो बाकी है ना। बोल तो ऐसे रहिए जैसे घर में पहाड़ तोड़ती रहती है। घर के दो काम करके तेरी तबीयत कैसे खराब हो जाती है। शादी के इतने साल बाद भी तुमने कोई खुशी तो दी नहीं। कम से कम जेठानी के कोख भरने की खुशी में थोड़ी सी मिठाई बना दे, शायद तुम्हारी भी कोख हरी हो जाए। शादी के इतने साल बाद भी तुमने कोई खुशी तो दी नहीं। कम से कम जेठानी के कोख भरने की खुशी में थोड़ी सी मिठाई बना दे, शायद तुम्हारी भी कोख हरी हो जाए। तुमन, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब जाइए बैठिए और आराम करिए, मैं सब कर लूंगी। तुमन प्लीज, तुम्हें पता है ना सासू माँ दिल की बुरी नहीं है। ओ प्लीज, मुझे उनके बारे में अब कुछ भी नहीं सुनना है। जब देखो तब बच्चा बच्चा बच्चा। मैं ना थक गई उनके ताने सुन सुन कर, और उन्हें घर में कोई कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अब बहुत हो गया, आप जाइए और आराम करिए, वरना आपकी फिक्र करते करते आपकी प्यारी सासू माँ यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप जाइए।
जी आ गई। अरे नहीं, डॉक्टर ने आपको क्या बोला है? शुगर कंट्रोल में रखना है, तो आप नहीं खा सकते। अरे एक बर्फी तो खा ही सकता हूँ ना। बिल्कुल नहीं खा सकते आप। मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, आप बिल्कुल नहीं खा सकते। क्या है? ए, सुमन को पता है कि प्लेट में कितनी बर्फी है, एक भी कम हुई ना तो छोड़ेगी नहीं तुझे। लेकिन अगर मैं आपकी बर्फी खा लूं तो फिर सुमन को पता ही नहीं चलेगा कि बर्फी मैंने खाई। ये अच्छा है, नौकरी मुझे लगी है और मुझे ही बर्फी खाने नहीं मिली। भैया आप भूल रहे हैं कि 3 सालों तक आपके पास नौकरी नहीं थी, मेरे घर के खर्चे मैंने उठाए। अब घर का आधा खर्च आप करोगे, थोड़ी बचत मेरी भी होगी ना। इसलिए खुशी की बात तो मेरे लिए भी है। एक मिनट, लेके जाओ इसे। मैं इंस्पेक्टर अजय मिश्रा और ये सब इंस्पेक्टर माधवी श्रीवास्तव। आपके घर में जो हुआ उसका हमें दुख है, लेकिन हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछे। तीनों बॉडीज को देखकर ये साफ है कि इनकी मौत जहर खाने से हुई। इन्होंने आखिरी चीज क्या खाई थी?
सुमन ने सबके लिए बर्फी बनाई थी, वही खाई थी सबने। आपने भी बर्फी खाई थी? वो मेरे पूजा और सुमन के अलावा सबने खाई थी। नहीं नहीं, सुमन ऐसा नहीं कर सकती। ये वो बर्फी जी, आप लोग इस बर्फी को ऐसे क्यों देख रहे हो? आप लोगों को ये लग रहा है कि मैंने बर्फी में जहर डालकर सबको मार डाला? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आखिरी चीज जो सबने खाई थी वो ये बर्फी थी। तो क्या हुआ उसे? बर्फी से उनके मौत का कोई लेना देना नहीं है। ये बात हम तय करेंगे। इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजो, अब पता लगाओगे इसमें जहर है या नहीं। जी सर। जब तक ये तहकीकात चल रही है आप लोग शहर छोड़कर नहीं जा सकते। फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट्स आ गई है, उस बर्फी में जहर था। बुलाओ तीनों को पूछताछ के लिए। जी सर। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने उन्हें नहीं मारा है। मैं तो खुश शॉक्ड हूँ कि बर्फी में जहर आया कैसे। जहर की पोर्टल के पैर नहीं होते मैडम, कि वो खुद चलकर किसी बर्फी में आ जाएंगे। एक बात बताओ, तुमने बर्फी बनाने के बाद उसे चखा था? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ, दूध की चीजें खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। वाह, क्या बात है, दूध की चीज खा नहीं सकती हो लेकिन बना लेती हो। मैं, मेरा यकीन कीजिए, मैं एकदम निर्दोष हूँ। अगर बर्फी में जहर तुमने नहीं मिलाया तो किसने मिलाया? सुमन जब किचन में बर्फी बना रही थी तो आप किचन में गई थी जी, और आपने वहां जाकर उसमें जहर मिला दिया। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी। हाँ, पूजा ऐसा नहीं कर सकती। अगर माँ बाबूजी को कोई मारने की सोच सकता है तो वो सुमन है। आपको ऐसा क्यों लगता है? सर, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मांझी बाबूजी सुमन के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। सुमन बहू, तुम्हारे लिए मैं आज बाबा जी से खास काढ़ा बनवा कर लाई हूँ। इसको पीते ही तुम्हारे सारे दोष दूर हो जाएंगे और मैं एक और बच्चे की दादी बन जाऊंगी। मम्मी जी, मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं डॉक्टर के पास गई थी। अगर दोष नहीं है तो शादी के इतने सालों बाद भी तुम्हें बच्चे क्यों नहीं हो रहे? बच्चा जब होना होगा तब हो जाएगा, मैं ये काढ़ा नहीं पीने वाली। देखो बहू, जिद मत करो, पी लो। काढ़ा तो पीना ही पड़ेगा तुम्हें। मम्मी जी, ये
सासू माँ सुमन को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और एक दिन तो मम्मी जी इतनी सारी सब्जियां लेने की क्या जरूरत थी? मैं चाहती हूँ पूजा बहू को ऐसे समय में जो भी खाने की इच्छा है उसे तुरंत मिल जाए। आखिर वो मुझे दादी बनने का मौका तो दे रही है। और एक तुम्हारी तरह नहीं है वो जो घर की खुशियों का कुछ ख्याल ही ना रखे। माँ जी थोड़ा सामान मैं ले लेती हूँ। नहीं नहीं सारा सामान सुमन ही लेके चलेगी। सुमन पूजा से जलने लगी थी और माँ बाबूजी से तो नफरत करती थी, इसलिए उसने हम सबको मारने की सोची। लेकिन वो बर्फी मेरी जगह विजय ने खा ली। क्या मतलब? लेकिन अगर मैं आपकी बर्फी खा लूं तो फिर सुमन को पता ही नहीं चलेगा कि बर्फी मैंने खाई। ये झूठ है। विजय को डॉक्टर ने बोला था कि उसका ब्लड शुगर हाई है, तो अगर वो खाने पीने में ध्यान नहीं देगा तो उसे डायबिटीज हो जाएगा। बस इसीलिए मैंने उसे बर्फी खाने से मना किया था। हर बात का बहाना है तुम्हारे पास। मैं बहाना नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो आप डॉक्टर से बात कीजिए। पता नहीं मेरे जेठ जेठानी मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो तुम्हें फंसाने की कोशिश क्यों करेंगे? मुझे क्या पता। तुमने बताया था कि जब तुम बर्फी बना रही थी तब वहाँ पूजा भी आई थी और हो सकता है उसी ने बर्फी में जहर मिलाया हो। हाँ जी। तो अगर उसी ने बर्फी में जहर मिलाया था तब उसने अपने पति मनोज को वो बर्फी खाने से रोका क्यों नहीं? तुमसे शादी करके ना मेरी किस्मत ही फूट गई। अरे मेरी सगी बहन की शादी है लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे पास मेरी ट्रेन की टिकट कराने तक के पैसे नहीं है। मेरे पास नौकरी नहीं है तो क्या करूं मैं? ऐसे क्या पेड़ पे उगते हैं? बातें बनाने की जगह काम ढूंढने पे ध्यान दोगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे 3 साल से बैठकर मुफ्त में रोटियां तोड़ रहे। बस पूजा परेशान हो गया हूं तुम्हारी ताने सुनते सुनते। अगर तुम्हारा इतना ही मन है ना अपनी बहन की शादी में जाने के लिए तो विजय से पैसे मांग के दे दूंगा तुम्हें। नहीं मेरे पति तुम हो, मेरी जरूरतें पूरी करने का फर्ज तुम्हारा है और हमारे होने वाले बच्चे की भी। कुछ दिनों में जब बाप बन जाओगे तो क्या अपने बच्चे की परवरिश के लिए भी अपने छोटे भाई से पैसे मांग कर लाओगे? पूजा चुप हो जाओ। क्यों चुप रहूं मैं? अरे घर के बड़े तुम हो लेकिन घर की पूरी जिम्मेवारी तुम्हारा छोटा भाई उठा रहा है जबकि जिम्मेवारी उठाने का फर्ज तुम्हारा है। पता कितनी शर्म आती है मुझे, मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए अपनी देवरानी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। पता नहीं मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ ही क्यों कही। इतना पछतावा हो रहा है ना, चली जाओ अपने घर पे। तीन साल से जेठ जी के पास नौकरी ना होने से उन दोनों के बीच बहुत लड़ाइयां होती थी। उन दोनों ने तो अलग होने का फैसला भी कर लिया था और मेरी जेठानी वो तो नाराज होकर बार बार अपने मायके चली जाती थी। ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है सर। हाँ सर हम दोनों के बीच झगड़े होते थे, बात डिवोर्स तक भी पहुंच जाती थी लेकिन हम दोनों ने कभी अलग होने की नहीं सोची। और सर मनोज को नौकरी ना मिलने से मेरे से ज्यादा परेशान तो सुमन रहती थी। परेशान हो गई हूँ मैं तुम्हारे मम्मी पापा के रोज उसके ताने सुनकर। हर रोज बच्चा 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 नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? शांत हो जाओ सुमन, कुछ वक्त में वो भी शांत हो जाएंगे। वो नहीं होंगे शांत, और बात सिर्फ उनकी नहीं है, मुझे भी बच्चा चाहिए और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। मतलब क्या है तुम्हारा? IVF ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने बोला है कि इस ट्रीटमेंट से बच्चा हो सकता है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता है कितना खर्च आएगा उसमें? अच्छा वो खर्चे तुम्हारे भैया भाभी को देने के लिए पैसे है तुम्हारे पास लेकिन मुझे देने के लिए नहीं है। अपनी भाभी के होने वाले बच्चे के लिए जो हॉस्पिटल में बिल्स भर रहे हो ना तुम, वो भरना बंद करो तब हमारे लिए बचेंगे। सुन प्लीज छोड़ो नहीं बातों। विजय नहीं छोड़ सकती, तुमको कोई कुछ नहीं कहता लेकिन सब लोग मुझे ताने मारते रहते उसका क्या। और तुम ना
जेठ जी को बोल दो कि 6 महीने में कैसे भी करके जॉब ढूंढ ले बस। पूरी जिंदगी हम उनका खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि हमें हमारा परिवार भी आगे बढ़ाना है। और वैसे भी वो घर में तुमसे बड़े हैं, है ना? तो घर का खर्चा उनको उठाना चाहिए, तुमको नहीं। सुमन, वो नौकरी ढूंढने की कोशिश कर तो रहे, अब नहीं लग रही तो उनकी क्या गलती? देखो, नौकरी उनको मिल रही है नहीं मिल रही है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और तुम उनको नहीं बोल सकते ना ये बात, और मुझे IVF ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं दे सकते ना, तो विजय मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुमन, सर सुमन हम सबसे नफरत करती थी, इसीलिए उसी ने किया होगा ये सब। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। करोड़ों कमाने वाले अकेले आदमी से अमीर वो है जिसके पास सुख दुख बांटने के लिए परिवार है। लेकिन आज के इस कलयुग में परिवार की क्या अहमियत रह गई है, वो आपके सामने है। नमस्कार, मैं हूँ इंदिरा कृष्णन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। जैसे मिठाई बाहर रखने पर उस पर चींटियां लग जाती है, वैसे ही मन की कड़वाहट सही समय पर बाहर ना निकलने पर रिश्तों में जहर लग जाता है, जैसा कि यहाँ हुआ। पुलिस के तहकीकात से एक बात साफ है कि खून करने की वजह सबके पास है, लेकिन इनमें से असली अपराधी कौन है, आइए देखते हैं। माधवी, इन सबकी अपनी अपनी उलझने हैं, सबके बीच आपस में बहुत तनाव था। सुमन, मनोज, पूजा, तीनों के पास खून करने की अपनी अपनी वजह है। तो अगर जहर घर में से किसी ने दिया है तो जहर की बॉटल भी जरूर घर पर ही होगी। एक काम करते हैं, एक बार फिर से तलाशी लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें पूरे घर की तलाशी लेनी होगी। पूरे घर को चेक करो, सारे बेडरूम, सारे कवर देखो। जी सर। हमने पूरा घर चेक किया है, घर में जहर की कोई बॉटल नहीं। एक काम करते हैं, सोसाइटी का डस्टबिन चेक करते हैं। जी सर। Thank you.
सर, जहर की खाली बॉटल मिली है। और ये बैग भी सुमन और पूजा के घर का ही लगता है सर, क्योंकि इस बैग में मिठाई बनाने का वेस्ट सामान भी है। वेरी गुड। इस जहर की बोतल को फॉरेंसिक भेजो, हो सकता है इस पर किसी की उंगलियों के निशान मिले। जी सर। सर, रिपोर्ट्स आ गई है और जहर की बोतल पर मिले फिंगरप्रिंट्स का भी मैच मिल गया है। गाड़ी निकालो। यस सर। इंस्पेक्टर साहब आइए। आप इतनी जल्दी आ गए आप दोनों। आपको जहर की बोतल से फिंगरप्रिंट्स मिले क्या? हाँ, हमें जहर के बोतल से तुम्हारे पति मनोज के उंगलियों के निशान मिले। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मनोज ही बताएगा। कहाँ है मनोज? अंदर अपने कमरे में। मनोज, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। मनोज, 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 नहीं, मनोज, 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 उठो ना, पूजा, पूजा, पूजा शम, क्या हो गया मनोज? बात नहीं कर रहे, पूजा, पूजा संभालो अपने आप को, संभालो। सुसाइड नोट लगता है सर। मैं मनोज शर्मा ये कबूल करता हूं कि मैंने ही अपने छोटे भाई विजय और अपने मां बाप यशोदा और मुरली शर्मा को जहर देकर मारा। बचपन से ही मम्मी पापा विजय को मुझसे ज्यादा प्यार करते थे और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मम्मी। हाँ बेटा। पापा, ये देखो रिजल्ट आ गया। अरे वाह, 90% मिले हैं मुझे। शाबाश बेटा, जरा दिखाइए। अरे वाह, क्या बात है, मुझे तो पहले ही पता था बेटा मेरा एक दिन नाम रोशन करेगा। मुझे पता था कि विजय ही अच्छे नंबर लाएगा। ये कोई बड़े भाई की तरह थोड़ी ना है। अरे तू वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? ये देख, 90% लाया है, 90%। बाबूजी, मेरे भी 80% आए हैं। 80% और 90% में 10% का फर्क होता है।
जिसकी जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत होती है। लेकिन तुम क्या समझोगे, ये तो वही समझेगा जिसके पास दिमाग हो, दिमाग। अब आप छोड़िए भी, बिना वजह सबका मूड क्यों खराब कर रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ सबके लिए खीर बनाने, और हमारे बेटे विजय को तो खीर बहुत पसंद है ना बेटा? जी माँ। तो मैं चलती हूँ खीर बनाने। जी चल, मैं आती हूँ। चीजें मिल गई, यही बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत बढ़िया रहा, सारा चीज सामान मिल गया। अरे मनोज भैया। अरे राहुल, कैसे हो? बस बढ़िया। मुझे आपसे एडवाइस देना था कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ उस बारे में। हाँ तो घर पे आ जाओ, और एक बात, तुम एडवाइस मनोज से नहीं विजय से लेना, क्योंकि पढ़ाई में मनोज से कई गुना अच्छा। अरे एक बात बताए, अभी कॉलेज भी नहीं कर पाया था, उसे चार चार कंपनियों के जॉब ऑफर मिल गए थे, और मनोज की तो अभी उनकी नौकरी भी नहीं लगी है। विजय भाई आप मुझे एडवाइस दोगे ना? क्यों नहीं, अभी भी घर आ जाओ। ओके, शाम को 6 बजे आता हूँ। ठीक है, चलते हैं। बाबूजी, बाबूजी, आपको हर बार मेरी बेइज्जती करने मजा आता है क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं, बचपन से लेके आज तक, चाहे खिलौने हो या कपड़े, आपने विजय को इम्पोर्टेंस दी, मुझे नहीं। नहीं बेटा, हमने तुम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। झूठ। उस राहुल को बताने की क्या जरूरत थी कि मेरे पास नौकरी नहीं है? बेटा वो हमारा पड़ोसी है, सच तो उसे पता ही चल जाता ना। और ऐसा गलत मैंने क्या कहा? हाँ भैया, आप बात का पतंगड़ बना रहे हो, छोटा भाई होने के बावजूद भी घर के सारे खर्चे मैं उठाता हूँ, और इसीलिए आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से अब हम सब पे चिल्ला रहे हैं। इनसिक्योर? मैं इनसिक्योर? वो भी तुझसे? देखो भैया, हाथ मत लगाओ। वरना क्या करेगा तू, क्या करेगा? पैसे नहीं देगा मुझे? पैसे नहीं देगा? ये घर से निकाल देगा? बोल। तमीज से पेश आओ भैया, वरना सच में मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। बहुत गुरूर है ना अपने आप पे, एक बार नौकरी लग जाने से उन सबको देख लूंगा मैं। ये बात सब भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। अपने घर वालों के खिलाफ मैं बहुत सालों से गुस्सा दबा कर बैठा था, और जब मुझे नौकरी लगी तब मैंने अपना बदला लेने का फैसला किया। सके तो मुझे माफ कर देना। अनुज ने इसमें और भी बहुत कुछ लिखा है जो कटा हुआ है। सर हो सकता है मनोज ने ये काटा हो, ये लेटर पूरा लग रहा है सर। मनोज ने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया। मनोज की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं उनको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आ, 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 आ,
एक मानसिक कैंसर है जो ईर्ष्या करने वालों को ही नहीं बल्कि उसके करीबियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक घर में दो बच्चों के बीच एक दूसरे से जलन की भावना होना ये तो आम बात है, लेकिन ये उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें ये ना महसूस होने दे कि किसी एक की कीमत दूसरे से ज्यादा है और उन्हें बराबरी का प्यार दे। लेकिन मनोज को भी ये शांत दिमाग से सोचना चाहिए था कि उसकी जलन बेबुनियाद तो नहीं, और अगर हो तो भी किसी की जान लेने का किसी को कोई हक नहीं। इस वक्त पुलिस के सामने जो सच का खुलासा हुआ है वो अधूरा है, आगे जो घटा वो देखकर पुलिस की तरह आप भी दंग रह जाएंगे। सर, फोरेंसिक लैब से कॉल आया है, जो जहर मनोज ने बर्फी में मिलाया था उस बॉटल के अंदर से एक बहुत छोटा सा टूटे हुए नकली नाखून का टुकड़ा मिला है। टूटे हुए नाखून का टुकड़ा? और सर, मनोज को नौकरी ना मिलने से मेरे से ज्यादा परेशान तो सुमन रहती थी। नकली नाखून तो पूजा लगाती है ना, इसका मतलब वो भी मनोज के साथ इस जुर्म में मिली हुई थी। जी सर, हमें जल्दी उसे पकड़ना चाहिए, हो सकता है सुमन की जान खतरे में हो। जल्दी चलो। यस सर। सुमन, सुमन आई? पता नहीं, ये महारानी भी ना, जब देखो तब सुमन सुमन सुमन। जी बोलिए। मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, शॉल ला कर दोगे क्या? हाँ। क्यों, क्या करोगी चीकर? देवर जी के पास जाओ ना, स्वर्ग में। जा तू? हाँ मैं। मैंने और मनोज ने मिलकर सासू माँ, ससुर जी और देवर जी को जहर दिया ताकि तुम सबके मर जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो। और जैसे ही पुलिस को जहर की बोतल के बारे में पता चला, मैंने मनोज से कहा कि सब पैसा और ज्वेलरी लेकर भाग चलते हैं, लेकिन वो डरपोक पट्टू सरेंडर करने की बात करने लगा। पूजा। हाँ पूजा, तुमने जहर की बोतल अपनी सारी चपक दी पर मैंने नहीं। पुलिस वालों को मेरे उंगलियों के निशान उस जहर की बोतल पे जरूर मिल जाएंगे। तो एक काम करते हैं, घर से गहने और पैसे लेकर भाग चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस कभी ना कभी तो हमें पकड़ ही लेगी। तो क्या करें? सरेंडर। हाँ, हम सरेंडर कर देंगे। अगर हमने अपने गुनाह कबूल कर लिए तो हो सकता है हमारी सजा कम हो जाए। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं सरेंडर कभी नहीं करूंगी। अरे मैं जेल में एक भी दिन नहीं रह सकती। पूजा समझने की कोशिश करो, पुलिस कभी ना कभी हम लोगों को ढूंढ ही लेगी, और हमारे आने वाले बच्चे का क्या? प्लीज मनोज, देखो वो सब मैं संभाल लूंगी, अभी ना यहाँ से चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैंने सरेंडर नोट लिख लिया, मैं जा रहा हूँ सीधा पुलिस स्टेशन। प्लीज मनोज। पूजा, मैं भी सरेंडर करूंगा और साथ में तुम भी। नहीं नहीं प्लीज मनोज, रुक जाओ मनोज। पूजा क्या क्या करूँ? ऐसे कैसे जाने दूँ मैं तुम्हें? छोड़ो क्या कर, छोड़ो। और मैंने मनोज के सरेंडर नोट को
सुसाइड नोट में बदल दिया। प्लान तो बहुत अच्छा था तुम्हारा, लेकिन अफसोस कामयाब होगा नहीं। पकड़ो इसे। सुमन जी को हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। प्लान तो तुमने बहुत अच्छा बनाया था, जहर की बोतल से अपनी उंगलियों का निशान तक नहीं आने दी, लेकिन तुम्हारे नकली नाखून का टुकड़ा आ गया। यहाँ पर जहर रखा होता है, इसके दो बूंद भी पूरे परिवार को मारने के लिए काफी हैं। देखो, जब भी सुमन यहाँ खाना बनाए तुम आके ये जहर यहाँ डाल देना। अरे क्या कर रहे हो, जहर है वो। जल्दी बंद करो, कोई आ जाएगा। हाँ कर रही हूँ ना। अब जल्दी से रख दो। जिसे तुमने बड़ी सफाई से हटा दिया था। और जेल से बचने के लिए एक के बाद एक जुर्म किए तुमने, जिसकी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ले चलो इसे। अहंकार और ईर्ष्या से प्रभावित होकर जलाए गए रिश्तों पर हाथ सेकने से हाथ को जलना तय है। छोटे देवर की आमदनी पर घर चलाने की वजह से मिले आत्मसम्मान पर चोट और उसके घाव में अंधी होकर पूजा ने अपने परिवार वालों को मारा ही, पर अपने पति को मारकर विधवा बनने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। आखिर क्या फायदा ऐसे आत्मसम्मान का जो इंसान को उसकी इंसानियत भुला दे। अगर सही समय पर गुस्से पर काबू ना करो तो वो हमारा भी दुश्मन बन सकता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सब सतर्क रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।